गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन सेम सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन. ओके, सो दिस इज प्रूव दैट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन जेड इक्वल टू लॉग बेस ई जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1. सो फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग. लेट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन जेड इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हैं आप, से यू. ओके, सो इनवर्स आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज जेड इक्वल टू हाइपरबोलिक ऑफ साइन यू. ओके, सो अब हमने हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है. ओके, सो हमने डेफिनेशन पढ़ी है हाइपरबोलिक ऑफ साइन यू की. तो क्या होती है डेफिनेशन? सो डेफिनेशन इज ई टू द पावर यू माइनस ई टू द पावर माइनस यू डिवाइडेड बाई 2, राइट. सो वट इट विल बी, दिस इज नथिंग बट आप 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज 2z इक्वल्स टू ई टू पावर यू माइनस ई टू पावर माइनस यू को लिख लीजिए 1 अपॉन ई टू द पावर यू. ओके, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग? दिस इज नथिंग बट अगर मैंने ई टू द पावर यू आप एलसीएम ले लें, सो दिस विल बिकम ई टू द पावर 2u माइनस 1. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए. सो दिस इज 2z e to the power u equals to e to the power 2u minus 1. तो इसको कैसे लिखेंगे वो? आप ये सब उधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? e to the power 2u minus 2z e to the power u minus 1 equals to 0. राइट, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई टू पावर यू. ई टू पावर यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. तो अब इसका मतलब अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहूँ तो ई टू पावर यू की वैल्यू निकलेगी इसका मतलब, जैसे हम लोग 10th क्लास में निकालते थे एक्स में होती थी, अब यह ई टू पावर यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इसके रूट्स निकालने हैं बेसिकली. तो ई टू द पावर यू क्या निकलेगा? आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. सेम वही फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर. तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2z, ये आपका b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2z का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a. तो 2 into 1, सो वट इट विल बी, दिस इज 2z प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज 4z स्क्वायर प्लस 4, राइट, डिवाइडेड बाई 2. तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2z, इसमें से आप 4 कॉमन निकाल लीजिए. तो जब 4 कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा इसका. सो दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, राइट, 2. अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाले और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास? z प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर u. तो e टू पावर u की यहाँ पर देखो आप 2 वैल्यू हैं आपके पास में. अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, वो भी विद पॉजिटिव साइन. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन में चाहिए तो मुझे पॉजिटिव ले लूँगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली. यहाँ लिख लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई टू द पावर यू इक्वल्स टू जेड प्लस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1, राइट. तो अगर मैं यहाँ से लॉग ले लूँ दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो आप लॉग ले लीजिए. लॉग लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? यहाँ बचेगा आपका सिर्फ u इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बेस e, दिस इज z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, राइट. और u क्या है बेसिकली? ऊपर देखो तो ऊपर में क्या है? मैंने इसको u किसको लिया था? हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन z. तो आपका लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन z इक्वल्स टू log बेस e अंडर रूट ब्रैकेट प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1. सो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, हैंस प्रूव्ड. सिंपल सा क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया. अब आपके इसके ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और करना, मैं दे दे रहा हूँ यहीं पर वीडियो में ही. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.
prove that this is hyperbolic inverse of cos z equals to log base e z plus under root of z square minus 1. और प्रैक्टिस करनी है तो एक और ले सकते हो आप चाहे तो, या इसको ही कर लीजिएगा. प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए कर सकते हो. प्रूव दैट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ 1+x ओवर 1-x. तो आप अगर चाहें प्रैक्टिस करने तो इस क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फॉर लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.